हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फाइनली बहुत ही हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आ गए हैं, जो कि है ट्विक्स के ऊपर। अब जो बंदे ब्लू स्टैक्स पे खेलते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि ट्विक्स क्या होता है, बट जो लोग ब्लू स्टैक्स पे नहीं खेलते उनको नहीं पता होगा ट्विक्स क्या होता है। तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि ट्विक्स ब्रीफली क्या होता है। ट्विक्स एक ब्लू स्टैक्स में सेटिंग होती है जिसकी मदद से आप अपनी सेंसिटिविटी और अपना एम सेट कर सकते हो। तो ये तो शॉर्ट में आपको बता दिया कि ट्विक्स क्या होता है, बट इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं ट्विक्स के बारे में कि ट्विक्स कैसे यूज होता है, ट्विक्स का क्या इफेक्ट होता है अपने एम पे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी ट्विक्स के ऊपर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना और मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्विक्स, ट्विक्स होता क्या है और कैसे काम करता है। सेकंड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ट्विक्स। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑल द ट्विक्स। फोर्थ क्वेश्चन है बेस्ट ट्विक्स फॉर रैंक गेम प्ले एंड बेस्ट ट्विक्स फॉर कस्टम गेम प्ले। एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ट्विक्स आई यूज। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको चाहिए तो लास्ट तक वीडियो देखना और बिना किसी टाइम वेस्ट किए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक क्वेश्चन दिमाग में आता ही होगा कि ट्विक्स होता क्या और कैसे काम करता है। अकॉर्डिंग टू ब्लू स्टैक्स ऑफिशियल वेबसाइट, ट्विक्स डिटरमाइन करेगा कि कैसे आपका एक्स एंड वाई रिएक्ट करेगा गेम के अंदर। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है अभी, बट मैं आपको एग्जाम्पल के साथ जब समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है ट्विक्स के अंदर और कैसे टाइप्स के ट्विक्स होते हैं। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं और हम लोग बात करते हैं कि मेनली कितने टाइप्स के ट्विक्स होते हैं और फ्री फायर में कौन से यूज होते हैं। फ्री फायर में मुझे जब तक पता है तब तक चार ट्विक्स है जो पॉपुलर है, जो कि है ट्विक्स 2, ट्विक्स 10, ट्विक्स 16,450 एंड ट्विक्स 21,002। तो इन सभी ट्विक्स में आपकी सेंसिटिविटी पूरी तरीके से एकदम चेंज हो जाएगी और डिफरेंट तरीके से वर्क करेगी। तो हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं कि सब में क्या डिफरेंस है और कौन सी अच्छी चीज है सब में और कौन सी बुरी चीज है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्विक्स 2 की, और उसके लिए चलते हैं हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पे। तो वहां पे आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग आ गए ट्रेनिंग ग्राउंड पे और मैं खेल रहा हूँ ब्लू स्टैक्स 4 के ऊपर। चलिए यहाँ पे हम लोग सेटिंग पे जाते हैं और सेटिंग पे जाके ट्विक्स को 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग ओपन किया, उसके बाद एडवांस एडिटर, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्विक्स दिख रहा है जो कि है डिफॉल्ट मेरा अभी, उसको कर देते हैं 2। और उसके लिए हमको एक्स चेंज करना पड़ेगा, वाई को ऐसे ही रहने देना है, सिर्फ एक्स को चेंज करना पड़ेगा। एक्स को आपको बहुत ही कम कर देना है, 0.10 या फिर 0.11 या फिर 0.9 भी कर सकते हो, इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.11 के आसपास रख देता हूँ। तो अभी सेव करके यहाँ पे ट्राई करते हैं कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस एक ही है डिफॉल्ट सेंसिटिविटी और 2 में। यहाँ पे आपका जो एक्स एक्सिस है, मतलब जो 360 आपका घूमता है हॉरिजॉन्टल वाला, वो यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत ही कम होगा और आपको एक बार 360 घुमाना पड़ेगा कैमरा, एक बार नहीं 3-4 बार मिनिमम घुमाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी सेंसिटिविटी नॉर्मल हो जाएगी। तब तक एकदम ही स्लो रहेगी, एकदम ही कम रहेगी, 0.10 के आसपास, ठीक है। और माउस मोड से मेरा मतलब जो बीच में आपको माउस दिख रहा है येलो कलर का, उसको जब आप ऑन करोगे तो वापस से रिसेट हो जाएगी और आपको वापस से 3-4 बार 360 घुमाना पड़ेगा। आप जितनी बार माउस मोड ऑन करोगे उतनी बार यहाँ पे रिसेट हो जाने वाली आपकी सेंसिटिविटी, उतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो सबसे बड़ा डिफरेंस है या फिर डिसएडवांटेज है ट्विक्स 2 का, बट तो भी बंदे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं उसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। और ट्विक्स 2 को फेमस करने वाला एक ही बंदा है जो कि है रुओक एफएफ। उसने अपनी सेटिंग वीडियो डाली थी 1 से 1.5 साल पहले आज से, तो उसने तब ट्विक्स 2 यूज़ किया था। तब किसी को पता नहीं था ट्विक्स 2 क्या होता है, बट जब उसने वीडियो डाली उसके बाद बहुत सारे बंदे यहाँ पे यूज़ करने लग गए। और यहाँ पे ट्विक्स 2 में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छे हेडशॉट लगते हैं, बहुत ही अनरियल हेडशॉट लगते हैं मैं बोलूँगा, क्योंकि आपको ऐसा अंदाज़ा नहीं होगा कि ये वाला हेडशॉट लगने वाली है, ये वाली गोली हेडशॉट लगेगी, बट फिर भी हेडशॉट लग जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अनरियल हेडशॉट लगते हैं, आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि इस स्टाइल में या फिर बंदा भाग रहा है या फिर बंदा हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तभी भी हेडशॉट मारना बहुत ही मुश्किल होता है। बट ट्विक्स 2 पे आपके हेडशॉट तभी भी लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्विक्स 2 का, कि आपकी एम बहुत ही एक्यूरेट हो जाती है, बहुत ही प्रिसाइज हो जाती है। और रेफरेंस के लिए आपको मैं बता दूं कि ट्विक्स 2 में आपके 10 में से 8 हेडशॉट लगने ही लगने वाले हैं। अगर आपके पहले से अच्छे हेडशॉट लगते हैं तो और ज़्यादा अच्छे हेडशॉट लगने वाले हैं। एक बार आप ट्राई करके देखना, आपको 100% डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे डिसएडवांटेज भी वही है कि जितना आपको इजीली हेडशॉट लगते हैं उतनी हार्ड कंट्रोल करनी है आपकी ये सेंसिटिविटी। बट आपने बहुत ही प्रैक्टिस करके अगर इसको कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बंदे लोग यही पूछेंगे कि भाई कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है, क्या हैक यूज़ कर रहा है, इतने सारे हेडशॉट कैसे लग रहे भाई तेरे।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्विक्स 10 की, और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है ट्विक्स 2 के, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे पहले हम लोग चेंज करते हैं सेंसिटिविटी, और इसमें एक्स और वाई कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो ट्विक्स 2 पे आपने रखा हुआ है सेम टू सेम वही रखना है, मैंने वही रखा है, आप लोग देख सकते हो 0.11 और 285, ठीक है। तो यहाँ पे सेव कर देते हैं डायरेक्टली ट्विक्स 10। यहाँ पे थोड़ी सी ईजी है कंट्रोल करना एज कम्पेयर टू ट्विक्स 2। ट्विक्स 2 में आपको क्या है, 3 या 4 बार आपको पूरा स्क्रीन घुमाना पड़ेगा 360 डिग्री, इसमें आपको 1 या 2 बार मैक्सिमम घुमाओगे तो आपकी सेंसिटिविटी ठीक हो जाएगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगी। तो ये फास्टर सेंसिटिविटी बोल सकते हो ट्विक्स 2 से। ट्विक्स 2 में आपको 3-4 बार घुमाने में ज्यादा टाइम लगता है, और यहाँ पे 1-2 घुमाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे मैं आपको लाइव पे भी दिखा देता हूँ कितना टाइम लगता है ट्विक्स 10 को नॉर्मल करने में, नॉर्मल सेंसिटिविटी करने में। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने माउस मोड ऑन कर दिया और ये 1 बार घुमाया, ये 2 बार घुमाया और ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। मतलब 2 ही बार आपको 360 घुमाना है कैमरा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, मतलब बहुत फास्ट, 1 सेकंड भी नहीं लगती है 2 बार तो घुमाने में, ठीक है। ट्विक्स 10 में इजी टू कंट्रोल, इजी टू हेडशॉट है। ट्विक्स 2 की तरह हेडशॉट नहीं लगेंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लाइक ट्विक्स 2 में आपको 10 में से 8 हेडशॉट लगते, तो इसमें 10 में से 6 या 7 लगेंगे, बट 8 नहीं लगेंगे। यह आपको मैं एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ कंपेयर करने के लिए, ऐसा मत सोचना कोई 8-8 लग जाएंगे, मैं आपको एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ कि इसमें 8 लग रहे तो उसमें 6-7 लगेंगे, ठीक है। इतना डिफरेंस है ट्विक्स 2 में और ट्विक्स 10 में। अब बात करते हैं हम लोग डिफॉल्ट ट्विक्स की, जो कि है 16,450, जो कि ब्लूस्टैक खुद भी रेकमेंड करता है कि ये सबसे बेस्ट ट्विक्स है, यही यूज करो आप लोग, और वो भी मैं बताऊंगा कि ब्लूस्टैक यही क्यों रेकमेंड करता है। पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ट्विक्स चेंज कर लिया, और इसमें एक्स आपको चेंज करना और नॉर्मल रख देना है, नॉर्मल मतलब 1, 2, 3 आप जो लोग यूज करते हो नॉर्मली वही रख देना। तो मैं यहाँ पे 1 यूज करता हूँ नॉर्मली, मैंने यहाँ पे एक्स को 1 कर दिया है। वाई आपको छेड़ना नहीं है, वाई आपको वही रखना है, वाई आपको सब में वही रखना है, कोई भी ट्विक्स हो वाई चेंज नहीं करना है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, कोई भी ट्विक्स हो वाई चेंज नहीं करना है, वाई आपको वही रखना है जो आप जिसमें आपको हेडशॉट लगते हैं। ब्लूस्टैक इसको क्यों रेकमेंड करता है पता है, ये सबसे स्टेबल और सबसे रिलायबल यही सेंसिटिविटी है, यही ट्विक्स है, ठीक है। इसमें आपको ऊपर नीचे सेंसिटिविटी नहीं जाएगी, इसमें आपको माउस टक जो होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। इस वाले ट्विक्स में मैं कितना भी जोर से यहाँ पे कैमरा पूरा घुमा लूँ, पूरा गोल घुमा लूँ कितने भी टाइम्स, बट यहाँ पे सेंसिटिविटी जो है वो एकदम स्टेबल रहेगी, एकदम ऊपर नीचे नहीं होगी बिल्कुल भी। और यही चीज अगर आप ट्विक्स 2 पे या ट्विक्स 10 पे करोगे, बहुत जोर से कैमरा घुमाओगे, तो आपकी सेंसिटिविटी इतनी बिगड़ जाएगी कि आपको हैंडल भी नहीं होगी, इतनी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसका फिर एक ही सॉल्यूशन है, आपको माउस मोड ऑन करके ऑफ करना पड़ेगा, 360 वापस से 3-4 बार कैमरा घुमाना पड़ेगा, फिर ठीक होगा। तो आपने इस ट्विक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज तो जान लिया, और ब्लूस्टैक इसको क्यों रेकमेंड करता है वो भी आपने जान लिया। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जानते हैं कि ये क्यों इतनी अच्छी ट्विक्स नहीं है, ये सबसे बेस्ट ट्विक्स क्यों नहीं है मेरे हिसाब से। तो आप इस ट्विक्स की एक्यूरेसी और हेडशॉट आप कंपेयर करोगे दूसरे ट्विक्स के अकॉर्डिंग, जो ट्विक्स 2 है, ट्विक्स 10 है, तो इसमें बहुत ही कम हेडशॉट लगते हैं, और नज़दीक में तो लगते ही नहीं है, नज़दीक में आपको इसको हेडशॉट लगेंगे नहीं, आपके बॉडी पे स्टक हो जाएगा, चेस्ट पे स्टक हो जाएगा एम, और नज़दीक में आपके जो वन शॉट लगते हैं एकदम क्लोज रेंज में वो नहीं लगने वाले इसमें। मीडियम टू लॉन्ग रेंज में फिर भी ठीक ठाक हेडशॉट लग जाते हैं, पर फिर भी उसमें भी आप ट्विक्स 10 और ट्विक्स 2 पे कंपेयर नहीं कर सकते, उसमें तो उसमें भी ज़्यादा अच्छे हेडशॉट लगते हैं, स्कोप इन में भी हेडशॉट ज़्यादा अच्छे लगते हैं ट्विक्स 10 पे। तो ओवरऑल ये बहुत ही इजी टू कंट्रोल ट्विक्स है, सबसे बेस्ट ट्विक्स है। अगर कंट्रोल की बात करो तो कंट्रोलिंग में सबसे बेस्ट और सबसे ईजी है, हेडशॉट की बात करो तो थोड़ी सी यहाँ पे पीछे रह जाती है ये वाली ट्विक्स, बट इसका भी इंपॉर्टेंस है, और इंपॉर्टेंस कहाँ है वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम डिस्कस करेंगे 21,002 ट्विक्स के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे पहले ट्विक्स चेंज कर लेते हैं, और ये इतनी फेमस नहीं है एज कम्पेयर टू वो जो 3 पहले मैंने बताई वो ट्विक्स के अकॉर्डिंग, ये अभी नई नई आई है, और मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो भी बनाया है डिटेल पे, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और टेस्ट भी किया अच्छे से, तो आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, और मैं एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो देख सकते हो। इसमें भी आपको एक्स एंड वाई चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, जो 16,450 पे रखा है सेम टू सेम वही रखना है, सिर्फ ट्विक्स चेंज करके 21,002 कर देना है, ठीक है। ये वाली ट्विक्स मेरे को सबसे यूनिक लगी, क्योंकि इसमें 16,450 का जो है मैंने आपको 360 वाला बताया, अगर आप फास्ट कैमरा घुमाते हो तो आपका चेंज नहीं होता, इसमें भी सेम टू सेम ऐसा ही है, इसमें भी आप जितना भी फास्ट कैमरा घुमा लो आपका सेंसिटिविटी नहीं बिगड़ेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी, माउस तक नहीं होगा, तो मुझे बहुत ही पसंद आया। और इसका हेडशॉट भी बहुत काफी ज्यादा अच्छे है, मतलब ट्विक्स 2 के कंपेयर नहीं कर सकते हेडशॉट, बट ऑलमोस्ट ट्विक्स 10 से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब ट्विक्स 10 में जो अच्छे हेडशॉट लगते हैं उतने ही अच्छे 21,002 पे भी लगते हैं। और जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो कि इसमें नजदीक में भी बहुत ही अच्छे हेडशॉट लगते हैं, जो कि ड्रॉबैक
बैक था 16,450 पे, उसमें नजदीक पे हेडशॉट नहीं लग रहे थे, इसमें आपको नजदीक पे भी हेडशॉट बहुत ही अच्छे से लगते हैं। अगर इसको ट्विक्स 10 से कंपेयर करें तो ट्विक्स 10 में अगर 6-7 हेडशॉट लग रहे हैं 10 में से, तो इसमें भी 5-6 हेडशॉट तो लग जाएंगे 10 में से। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप लो एंड पीसी पे इसको यूज करोगे तो आपको माउस स्टक देखने को मिलेगा, सेंसिटिविटी ऊपर नीचे होगी, ऐसा सब प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और ये चीज मुझे नहीं पता थी, ये चीज मुझे मेरे ऑडियंस ने बताई। जब मैंने इसके ऊपर वीडियो रखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बंदों ने बताया कि मेरे में माउस स्टक हो रहा है, एम अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है। क्योंकि जब मैंने यूज की थी ये मेरे पीसी पे, तो मेरे को तो डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा था कि ये 16,450 या फिर 21,000 है। इतनी स्मूथली मेरे पे तो रन हो रही थी, मेरे को तो कोई इश्यू नहीं देखने को मिला था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका अच्छा खासा पीसी है जिस पे लैग नहीं होता फ्री फायर, तो उसमें आपकी ये सेंसिटिविटी बहुत ही अच्छे से चलने वाली है। अगर आप थोड़ा सा लैग होता है या फिर थोड़ा सा स्टटर होता है तो इसमें ये इतनी अच्छे से नहीं चलेगी और थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आई होप आपको सब ट्विक्स पता चल गई होगी और क्या प्रॉब्लम आते हैं और क्या अच्छी चीज़ें ट्विक्स में, वो सब आपको पता चल गई होगी। अभी आप डिसाइड करते हैं कि रैंक में सबसे अच्छी ट्विक्स कौन सी है और CS और कस्टम के लिए सबसे अच्छी ट्विक्स कौन सी है। रैंक के लिए मैं रेकमेंड करूंगा आप ट्विक्स 2 या फिर ट्विक्स 10 यूज कर सकते हो। मैं मोस्टली ट्विक्स 10 यूज करता हूं। मैंने जो लास्ट मॉन्टेज डाला हुआ है अभी लेटेस्ट वाला, उसमें मैंने मोस्टली ट्विक्स 10 पे खेला हुआ है और ट्विक्स 2 पे भी कभी कभी खेला हुआ है। तो आप लोग वो मॉन्टेज देख के आइडिया लगा सकते हो कि कैसे हेडशॉट लगते हैं, कैसी मूवमेंट रहती है। उसमें आप थोड़ी सी मूवमेंट कम कर सकते हो, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा करोगे ना तो आपकी सेंसिटिविटी बिगड़ जाएगी, जैसे कि आपको मैंने बताया। अब बात करते हैं CS की। CS में आपको एक अनलिमिटेड ग्लू वॉल वाली भी होती है और लिमिटेड ग्लू वॉल वाली भी होती है, जो रैंक होती है, ठीक है। रैंक में आप लोग ट्विक्स 10, ट्विक्स 2 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी ग्लू वॉल नहीं होती है, बहुत सारा मूवमेंट नहीं होता, उसमें आपको कैंप ही करना होता है या फिर छुप के ही मारना होता है। तो उसमें आप लोग ट्विक्स 2, ट्विक्स 10 यूज कर सकते हो। लेकिन अनलिमिटेड कस्टम में बिल्कुल भी यूज मत करना, उसमें बहुत सारी ग्लू वॉल लगानी होती है, उसमें बहुत सारा मूवमेंट भी करना होता है। तो उसमें आपको बिल्कुल भी ट्विक्स 10 या ट्विक्स 2 यूज नहीं करना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये गलती मैंने की थी और मेरे को पछतावा हो रहा है उसके ऊपर। अनलिमिटेड कस्टम में क्या होगा पता है, आप लोग जैसे ही 3-स्टिक ग्लू वॉल लगाओगे, अपने आपको पैक करोगे, तो आपकी सेंसिटिविटी इतनी बिगड़ जाएगी आपको हैंडल भी नहीं होगी, और उसके बाद आपको सामने वाला बंदा मार देगा, क्योंकि आप लोग सेंसिटिविटी ठीक करने में लगे हुए हो और सामने वाला बंदा उसमें फायदा उठा के मार देगा। तो अनलिमिटेड कस्टम में सबसे पहला ऑप्शन है 21,000 ट्विक्स। तो अगर आपके पीसी में 21,000 एकदम अच्छे से चलती है तो फिर वही यूज करोगे, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है, उसमें हेडशॉट भी अच्छे से लगते हैं और सेंसिटिविटी इशू भी नहीं आएंगी। और अगर आपके पीसी में 21,000 अच्छे से नहीं चल रहा, इशू आ रहा है, माउस स्टक हो रहा है, तो फिर 16,000 भी यूज करो, जो डिफॉल्ट है, वो सबसे बेस्ट और सबसे रिलायबल है, उसमें आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और अच्छे से आप लोग कस्टम भी खेल पाओगे। और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मैं कौन सी ट्विक्स यूज करता हूं। तो मैं मोस्टली ट्विक्स 10 पे ही खेलता हूं, क्योंकि मैं अनलिमिटेड कस्टम नहीं खेलता हूं, मैं CS या फिर रैंक खेलता हूं, तो उसमें मैं ट्विक्स 10 आराम से हैंडल कर सकता हूं, तो मैं उसी पे यूज करता हूं। उस पे हेडशॉट भी बहुत अच्छे से लगते हैं और इजीली कंट्रोल भी हो जाती है। तो आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ट्विक्स के बारे में इसी वीडियो से, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको जानना है कि ट्विक्स 2 और ट्विक्स 10 कैसे कंट्रोल करते हैं इजीली, कौन सा इमिटर यूज करना है, कौन सी सेटिंग यूज करनी है, इस वीडियो पे अगर 3000 लाइक्स आते हैं तो मैं उसी पे एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड हाउ टू हैंडल ट्विक्स 2 एंड ट्विक्स 10। तो अगर वो वाली वीडियो जल्दी ही चाहिए तो जल्दी यहाँ पे लाइक टारगेट कंप्लीट करवा देना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।